हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो सृष्टि क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है मेथी दाना। मेथी दाना फ्रेंड्स ये है जो है, मैंने इसको 3-4 घंटे पहले ज़रा से वाटर में सॉक कर रख दिया था। ये देखिए, ये बिल्कुल इतना वाटर है कि बस इसने सारा पी लिया। बहुत ज़्यादा भरकर मैंने नहीं रखा था। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स, वो सेकेंड पार्ट है हेयर रीग्रोथ के लिए। अगर किसी के हेयर झड़ चुके हैं, वहाँ से गंजा दिख रहा है, स्किन दिख रही है, पैचेस पड़ चुके हैं, तो आज की रेमेडी इसी टॉपिक पर है। इसी टॉपिक पर एक और वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने लिया है यहाँ पर मेथी दाना। मेथी दाने में होता है हमारा विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। आप गूगल पर देख लेना, जो हमारे हेयर को रीग्रोथ करती है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं जो इसमें लूँगी वो हमारा है प्याज, ठीक है। प्याज भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। देखिए, मैंने 2 प्याज लिए हैं। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही हूँ कि जो वाइट वाला प्याज होता है ना फ्रेंड्स, वो ज़्यादा असरदार नहीं होता है। तो मैं भी बहुत दिनों से वेट कर रही हूँ कि मुझे पर्पल वाला प्याज मिल जाए, पर्पल वाला प्याज मिल जाए। तो फुल्ली पर्पल प्याज मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो प्याज का जो रस होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। इसमें सल्फर होता है, बालों को ये झड़ने से रोकता है और हेयर को रीग्रोथ करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका यूज़ आपको अपने हेयर पर ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरी तरह आपको भी पर्पल प्याज नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप अपना वाइट प्याज ही ले लेना। इसके बाद हम लेंगे टंगा दही। टंगा दही कैसी होती है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको 4-5 घंटे से ऐसे छलनी में कर कर रख दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी वाटर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका वाटर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका वाटर अलग कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हेयर को रीग्रोथ करने के ऊपर ही है। कुछ मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लग सकता है कि ये तो हमारी रेसिपी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं बोलना चाहूँगी, जी हाँ, हो सकता है ये आपकी ही रेसिपी हो। बट हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो चीज़ें हेयर को रीग्रोथ करने में यूज़ होती हैं उसी के ऊपर तो हम वीडियो बनाएंगे, वही तो हम आपको दिखाएंगे। एक दो चीज़ कोई एक्स्ट्रा कर देता है, एक दो चीज़ कोई कम कर देता है, बट यही सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे ऑयल हैं जो हमारे हेयर को रीग्रोथ करते हैं, जहाँ से हमारे बाल झड़ चुके हैं। तो उसी टॉपिक पर तो फ्रेंड्स हम बनाएंगे। ऐसे ही कुछ बियॉन्ड सेंट बनाकर तो आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स आप एक बार यूज़ करोगे, 10 बार यूज़ करोगे, 1 महीने यूज़ करोगे, 2 महीने यूज़ करोगे, उसके बाद आप कमेंट करके बोलोगे कुछ असर नहीं किया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जिनको लगता है ये रेसिपी है, तो मैं बोलूँगी जी हाँ, बिल्कुल आपकी ही रेसिपी है, आप इसे यूज़ कीजिए। और जिसने यूज़ नहीं किया उसे यूज़ करने दीजिए। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, देखिए इन सबको, प्याज का तो हमें रस लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी से प्याज की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती है तो वो इसमें इसेंशियल ऑयल डाल सकता है, कोई भी ट्रीटी इसेंशियल ऑयल जो है, ट्री ट्री, ठीक है। बहुत बहुत ही अच्छा है हमारी हेयर की रीग्रोथ को बढ़ाने के लिए और हमारे हेयर को लंबाई में बढ़ाने के लिए और जितनी भी स्कैल्प में प्रॉब्लम होती है उन सबको दूर करने के लिए। रोजमेरी इसेंशियल ऑयल भी इसी टाइप का है। और मुरक्कन एक ऑयल आता है, इसेंशियल ऑयल नहीं है वो, सिर्फ ऑयल है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं इसको बहुत जल्दी बाय करने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप चाहो तो इसका यूज़ भी ले सकते हो, आप चाहो तो पूरी की पूरी प्याज भी ले सकते हो। तो मैं इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालकर पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ कि आगे हमें करना क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पेस्ट है, हेयर मास्क जो है, वो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको अपने स्कैल्प में लगाना है इसको, आपको रूट की और तरफ ज़्यादा लगाना है, लेंथ में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना भी आपका स्कैल्प है वहीं पे लगाइएगा, आपके स्कैल्प में बिल्कुल भी ऑयल ना हो इसका ध्यान रखिएगा। और इस वाले पैक को आपको हफ्ते में 3 से 4 बार ट्राई करना है, यूज़ करना है, तभी इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको इसको कम से कम 1 से 1.5 महीना जमकर यूज़ करना है, तभी इसका बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा। आप इसको यूज़ करोगे तभी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आप सोचो कि एक बार यूज़ कर लिया और बस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, जादू कुछ नहीं होता है। यूज़ करने से ही धीरे धीरे हमको उसका इफ़ेक्ट मिलता है, जैसे हम दवाई लेते हैं धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो वैसे ही आपको जो होम रेमेडी होती है, DIY होते हैं, उनको भी आपको ऐसे ही यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे लगा लेती हूँ, रूट में ही लगाना है, जैसे कि मैंने आपको बोला। मैं सारे रूट में हेयर को कॉम कर लेना पहले आप, और छोटे छोटे सेक्शन ले लेना, ऐसे मांग निकाल निकाल कर इसको लगा लेना, ठीक है। ये थोड़ा मैसी होने वाला है, तो आप कोई भी पुरानी टी शर्ट या कोई भी पुराना सूट वगैरह पहन सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने सभी जगह इसे अच्छे से लगा लिया है, ये देखिए, बिल्कुल रूट में लगाया है मैंने इसे, लेंथ में बिल्कुल भी नहीं लगाया है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको भी बिल्कुल इसे ऐसे ही अच्छे से लगा लेना है। तो इसमें कुछ फ्रेंड्स जो हैं मेरे,
या कुछ कुछ व्यूवर्स जो हैं वो ऐसे बोलते हैं कि हमारा मेथी दाना आराम से नहीं निकलता है, हमारे हेयर में फंसा रह जाता है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आप क्या करना, कॉम कर लेना पहले इसको, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे रखना है। अगर इसकी स्मेल आपसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप इसको आधा घंटे में भी वॉश कर सकते हो, ठीक है। आपको इसको शैम्पू से पहले पानी से निकालना है, उसके बाद आपको शैम्पू करना है और उसके बाद आपको कॉम कर लेना है धीरे धीरे मेथी को निकालने के लिए, क्योंकि मेथी जो है वो हेयर में लगी रह जाती है बट उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप कॉम के द्वारा इसको निकाल सकते हो। शैम्पू आपको आज ही करना है, अगर आप आज शैम्पू नहीं करोगे तो इसकी स्मेल आपको आती रहेगी सारा दिन, ओवरनाइट, ओवर डे, ठीक है। तो आपको शैम्पू जिस दिन आप इसको मास्क को अप्लाई करोगे उसी दिन आपको शैम्पू करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में जो घंटी का बेल आइकन आता है आपको उसको भी प्रेस करना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।